20 मिनट से कहीं पर रुकी हुई है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Hey guys, hello everyone. This side me Ankita. Welcome back to my channel. Welcome back to Sudo Vlog. I hope you everyone is getting safe. So आज के इस वीडियो में इस तरह का voiceover मैं इसलिए दे रही हूँ just because पीछे बहुत सारा noise था. ठीक है, सो दैट्स वाई मेरे को ऐसा ये वॉइस रिकॉर्डर देना पड़ा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि अभी सुबह के 4 बज रहे थे और हमारी ट्रेन आ चुकी थी। सो अगर आपको सुनना है ना तो लो सुनो फिर कैसा आवाज़ था। ये इंट्रो जो है ना ये मैं प्लेटफॉर्म पे ही करने वाली थी, बट मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अभी तक वो पूरा तरह से पब्लिक फेयर गया नहीं। ठीक है, सो एनी हाउ, सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस ट्रेन का कैसा जर्नी है। मेरी जो कोच है वो C1 है और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 08636 पे, जो कि सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है। और अभी हम लोग निकले हैं सोल से चढ़े हैं जस्ट सासाराम से 5 मिनट लग कर। तो आज हम लोग इस पूरी जर्नी को करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हॉल्स आते हैं, किस तरह का फैसिलिटी ये उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। मेरा ये अभी चेयर कार है, एसी चेयर कार है, तो एसी चेयर कार कैसा होता है, स्लीपर चेयर कार कैसा होता है, और यू नो एवरीथिंग। सो आज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। सो या तो एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। और हाँ, सीट के मामले में तो इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह का लेग एरिया ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल था, बट जो थोड़े से लंबी हाइट के लोग होंगे उनको हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि सामने में आपको एक अच्छा सा टेबल मिल जाता है जिसमें आप अपना नाश्ता वगैरह रख सकते हो। ठीक है, एक लोग के लिए ये दिस वन इज़ सफिशिएंट। ये हर चेयर के पीछे आपको मिलेगा, मतलब आपके चेयर के सामने मिलेगा। यहाँ पे आपको ये बॉटल होल्डर मिल जाता है एक। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह का सीट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिक्लाइनर भी दिया हुआ है जिससे आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हो। देन आफ्टर ये जो ऊपर का स्पेस है जहाँ पे अपना एयर बैग या जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो। यहाँ पे ये चार्जर पॉइंट है। ठीक है, ये एक तरह से मोबाइल होल्डर कह लो आप। ठीक है, छोटा सा पॉकेट टाइप का है। ये फ़ैन का स्विच है। ठीक है, तो आपकी सीट के बगल में ये सब, मतलब 5 घंटे के सफ़र के लिए दिस वन इज़ सफिशिएंट, इतना आप कर सकते हो। अच्छा, ये वाला जो लेग एरिया है ना ये मेरे चेयर के जस्ट पीछे वाली जगह पे था और ये मुझे काफ़ी सही लगा। डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इनक्रेडिबल इंडिया और समथिंग। और अभी हम लोग बाहर जा रहे थे तो ये कुछ बाहर का इस तरह का इंटरफेस है। उधर दूसरा चेयर ऐसी कार है और यहाँ पे मतलब एक मैंडेटरी मिरर टाइप का, पता नहीं क्या कर रहे थे हम। सो इस तरह का 2 वॉशरूम यहाँ पे अवेलेबल है और वो वाला ऑक्यूपाइड था। सो ये वाला वेकेंट था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का है, फ़ैन वगैरह अवेलेबल है। और थोड़ा सा कंजेस्टेड था, मेरे को अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो ये वेस्टर्न स्टाइल था और पता नहीं ये क्या था, वहाँ पे वो हटा दिया गया था नोटिस बोर्ड या जो भी था। अभी सुबह के 5 बज गए हैं और जब से ट्रेन खुली है तब से चले ही जा रहा है, चले जा रहा है। एक फॉल्ट आया था बिल्कुल जब का, तो मैंने आपको दिखाया नहीं गूगल पर क्योंकि वहाँ पर मेरा था। तो अभी 5 बज गए हैं और ये यार ये सीट मिल जाएगा मेरे को फिर जर्नी वाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सीनरी का शॉर्ट्स टाइप लेना था, बट आई वॉज बिजी इन मेकिंग रील्स। तो गाड़ी तो अपने स्पीड में चले ही जा रहा है और अभी हम लोग एक स्टेशन पर रुके हैं, डाल्टनगंज स्टेशन पे। सुबह 4 बजे जो है ये डेहरी से था और 10:30 अराउंड रांची पहुंचने का टाइम है। ये जो ट्रेन है ना ये डेहरी टू रांची वाया लोहर तक का होटल पे जाती है। एक्चुअली आप 2-3 रूट से रांची जा सकते हो, वाया बोकारो ऑल्सो और वाया बड़का खाना ऑल्सो। तो ये जो ट्रेन है जिस ट्रेन ये एक्चुअली डाल्टनगंज से टोरी एंड देन फिर लोहर दक्का होते हुए।
अभी 7:45 हो रहा है और अभी हमारी जो ट्रेन है वो चोरी जंक्शन पे रुकी है। जो टाइमिंग है यहाँ पे आने का वो 8:10 है, पर ट्रेन जो है वो एज़ यूजुअल हमेशा ये बिफोर ही चलती है, तो वो ये बिफोर ही चल रही है। सो देखते भी यहाँ से कब खुलती है, बिफोर तो ट्रेन आ गई है बट डिपार्ट कब होती है जैसा होता है। सो अभी 8:10 हो गए हैं और ऑन टाइम पूरी से गाड़ी खुल गई है। इसके बाद आएगा लोहरदगा का। अभी बज रहे हैं 9 और ट्रेन हमारी चलते चलते पहुँचने वाली है लोहरदगा स्टेशन पे और फोन मेरा एज यूजुअल डिस्चार्ज हो गया है। अभी हम लोहरदगा पहुँच चुके हैं। लोहरदगा के बाद एक बिस्का आएगा और बिस्का के बाद फिर रांची रेलवे स्टेशन। तो इस तरह की थोड़ी शॉर्ट सी जर्नी थी सुबह 4 बजे से लेकर अभी 10 बजे तक। तो अभी 10 बजने वाले हैं और इसका से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। इसका से हमारी गाड़ी खुल चुकी है और अभी हम लोग रांची पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली अभी अपने स्टेशन पहुंच गया है और मतलब ट्रेन से जब उतरे ना तो उन्होंने बोला कि आपका कोविड टेस्ट होगा, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो फाइनली अभी जाके फ्री हुए हैं और कैब मैंने बुक कर दिया है, देखो अभी कब आता है। कैब से अभी कैब में भी आ गए और मतलब लास्ट तक तो बहुत हेक्टिक हो गया यार। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, आई होप यू लाइक दिस चैनल। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट स्टे सेफ स्टे हैप्पी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस डोंट फॉरगेट स्टे सेफ स्टे हैप्पी।